हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पाँचमेश्वरी ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो हाँ, जो लोग मेरा पहले से वीडियो देख रहे हैं चैनल पे, उन लोगों को पता ही होगा कि मैं पहले पुणे रहता था, अभी कोलकाता में आ गया हूँ। तो जो लोग न्यू विजिट करें उनको बता दो, मैं कोलकाता में अपने गाँव के घर में हूँ, तो इधर मैं अकेला रहता हूँ, मम्मी पापा कोई नहीं है, तो मुझे ही सब काम करना पड़ता है, खाना पकाना सब कुछ करना पड़ता है। तो आज उसी पर्पज़ वीडियो है, आज मैं एक नया चीज़ ट्राई करने वाला हूँ, मम्मी से रेसिपी पूछ लिया है। तो आप लोग तो जानते होंगे कि बंगाली लोगों के फेवरेट होता है इलिश चोर से, तो आज हम वही चीज़ बनाने वाले हैं, पर मछली थोड़ा चेंज है। आज हम इलिशा नहीं बनाएंगे, उसके बगल जगह पे हम लोग डालेंगे रूही मच्छी। तो रूही मच्छी का शोर से बनाएंगे, तो पूरा प्रोसेस आप लोगों को दिखाएंगे, क्योंकि मैं अकेला हूँ तो इधर एक जगह पर फोन सेट करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो सब कुछ लाया हूँ, इन्ग्रीडियंट्स सब रेडी कर लिया हूँ, तो आप लोगों को एक एक करके दिखाता हूँ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नया विजिट करें तो सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्योंकि मैं अकेला वीडियो कर रहा हूँ तो इधर एक जगह पे फोन को स्टे, तो अभी दिखाएंगे। इधर देख सकते हैं आप लोग, मैं इधर चावल बिठा दिया हूँ, चावल पक रहा है, इधर कढ़ाई गर्म होने के लिए छोड़ दिया हूँ, कढ़ाई भी गर्म हो गया ऑलमोस्ट। तो अभी जो है हम लोगों को मच्छी जो है वो फ्राई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मच्छी को फ्राई करने के लिए उसके नमक हल्दी उसको पूरा मैरिनेट करना पड़ेगा, तो प्रोसेस करवाता हूँ, उसके बाद मच्छी जो है फ्राई करेंगे। तो ये सब मच्छी हमने पूरा फ्रेश करके वॉश करके लिया है, पूरा क्लीन कर लिया है, देख सकते हैं। तो अभी इसमें ऐड करेंगे हल्दी और नमक, पूरा प्रोसेस आप लोगों को दिखाते हैं। तो देख सकते हैं नमक और हल्दी, इसमें नमक और हल्दी ऐड कर दिया है। तो अभी इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे इसके साथ ऐसे करके, ताकि इसके अंदर जो नमक का टेस्ट रहता है और हल्दी जो फ्लेवर वो इसके मछली के अंदर ऐड हो जाए। तो देख सकते हैं इसको अच्छे से मैरिनेट कर लेते हैं। तो इधर जो है देख सकते हैं कढ़ाई पूरा गर्म हो गया, और फ़ोन को इधर एक जगह पे स्टेबल कर लिया है, क्योंकि आपको पता है मैं अकेला वीडियो कर रहा हूँ इसलिए। तो इधर स्टेबल कर लिया है, तो अभी इसमें डालेंगे, कढ़ाई गर्म हो गया, इसमें डालेंगे सरसों का तेल, तेल हम थोड़ा ज़्यादा ही डाल रहे हैं क्योंकि बाद में इसी ऑयल से हम लोग पूरा मच्छी पकाएंगे। तो इधर अभी ऑयल पूरा गर्म हो गया, देख सकते हैं। तो ऑयल ऐसे गर्म होने के बाद इसके अंदर अभी मछली सब छोड़ देंगे एक एक करके फ्राई होने के लिए। तो मच्छी फ्राई जो पूरा ख़त्म हो गया, मच्छी फ्राई करना हो गया, अभी हम लोग मसाला ट्राई बनाएंगे उसका। तो उसका प्रोसेस आप लोगों को दिखाते हैं, क्या क्या दे रहे हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स उसमें ऐड कर रहे हैं, सब कुछ दिखा रहे हैं, तो देखते रहिए। तो ये देखिए, ये अदरक थोड़ा सा पेस्ट कर लिया है, थोड़ा सा ही देना है क्योंकि मछली का मतलब क्वान्टिटी के हिसाब से देना है। मेरा मछली का क्वान्टिटी आप लोग देखा है बहुत कम है, तो इसके हिसाब से अभी इसमें थोड़ा सा हम लोग लाल मिर्च पाउडर जो है हम लोग ऐड करेंगे। तो थोड़ा सा लाल मिर्च दे दिया, अभी इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे हम लोग जीरा पाउडर, हम लोग ऐड करेंगे थोड़ा सा जीरा पाउडर अभी। तो थोड़ा सा और थोड़ा सा दे देते हैं, तो जीरा पाउडर थोड़ा सा ऐड कर लिया हमने। तो जीरा पाउडर और अदरक और मिर्ची पाउडर सब ऐड कर लिया है इसमें। तो इसमें अभी हल्का सा जो है वाटर ऐड करना है, तो थोड़ा सा पानी हम लोग ऐड कर लेते हैं। थोड़ा सा पानी दिया है जस्ट इसको मिक्स करने के लिए, बाकी पानी जो है हम लोग कढ़ाई में ऐड करेंगे और जस्ट मिक्स करने के लिए। तो मिक्स कर लिया इधर, तो अभी का फ़ोन को थोड़ा स्टेबल कर लेते उधर स्टैंड पे, और उसके बाद कढ़ाई का पूरा मेरे पकाने का प्रोसेस आप लोगों को दिखाते हैं। तो देखिए तेल जो है मतलब जिसमें मच्छी फ्राई किया था उसी ऑयल में हम लोग खाना पकाएंगे आगे की, तो उसी ऑयल में मतलब और एक्स्ट्रा ऑयल ऐड नहीं कर खाना पकाएंगे। इसने मछली मतलब फ्राई करने के टाइम में हम लोग थोड़ा ज़्यादा ऑयल यूज़ किया था, तो अभी इसी ऑयल में हम लोगों को क्या देना पड़ेगा, सबसे पहले इसमें काला जीरे, काला जीरा जो रहता है थोड़ा सा उसके देने के बाद उसमें इधर में एक तेज पत्ता को बीच में से फाड़ के इसमें ऐड कर रहा हूँ।
तो इसमें जो है ऐड कर लिया है इसको, और इसको थोड़ा सा आप लोग ये कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे। तो इसको थोड़ा जो है फ्राई कर लिया है, अभी इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे दो हरी मिर्च को भी थोड़ा फ्राई कर लेंगे। तो अभी जो हमने मसाला मैरिनेट किया था उसको दे देंगे इसके अंदर। तो देख सकते हैं हमारा जो ये मसाला था पूरा हो गया रेडी। अभी इसमें जो है हम लोग थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, उसके बाद इसमें मछली ऐड करेंगे। तो इधर ऑलमोस्ट मैंने एक कप के हिसाब से पानी ऐड किया है, ज़्यादा पानी ऐड नहीं किया है। तो इसी पानी में जो है हम लोगों को हल्दी नमक सब ऐड कर देना है। तो नमक थोड़ा मेरे हिसाब से डाल दिया है, बाद में चख के डालेंगे हम लोग। तो इसमें जो है अभी हम लोग मछली ऐड कर देंगे, इसको थोड़ा सा बल लेते हैं और थोड़ा सा पका लेते हैं। तो इसमें जो अभी मछली ऐड कर देंगे। तो इधर अभी मछली ऐड कर दिया है, तो इसको थोड़ा सा एकदम लो फ्लेम में थोड़ा सा पका लेंगे, एकदम लो फ्लेम में थोड़ा सा, इसको लो फ्लेम में एकदम ढक के पकाना है। तो इसको थोड़ा सा ढक देते हैं। तो जब तक उधर कढ़ाई में वो मतलब वो पानी थोड़ा सूख जाता है उसको रेडी होने देते हैं, उस टाइम में हम लोग इधर सरसों रेडी कर लेते हैं। इधर हमने लिया है सनराइज का मस्टर्ड पाउडर, तो इधर थोड़ा सा सरसों हम देते ले लेते हैं। ज़्यादा सरसों यूज़ मत करिए, तो थोड़ा क्या हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा। तो हम लोग इधर ज़्यादा सरसों यूज़ नहीं करेंगे, नहीं तो कड़वा हो जाएगा। तो थोड़ा सा ही सरसों यूज़ करेंगे, तो इतना सरसों मेरे हिसाब से ठीक है। तो इसमें हल्का सा जो है पानी ऐड करना पड़ेगा, तो इस सरसों में जो है हल्का सा पानी हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा इसको मिलाने के लिए। थोड़ा सा पानी इधर ऐड भी, इसको थोड़ा सा हम लोग मिला लेते हैं। इसमें कुछ दाने रहना चाहिए, मिल जाना चाहिए टोटल, तो मिल गया है। इधर थोड़ा सा और पानी हम लोग ऐड कर लेंगे। तो इधर इसको पूरा हमने मिक्स कर लिया है। तो अभी इसको जो है हम लोग इधर कढ़ाई में ऐड करेंगे। तो पहले फोन को स्टैंड कर लेते हैं, उसके बाद इसको ऐड करेंगे। तो इधर देख सकते हैं पूरा ये पक गया है, ऊपर से तेल भी निकल रहा है। तो अभी इस टाइम में इसको इसमें जो है हम लोग वो सरसों ऐड करेंगे। तो सरसों ऐड कर दिया है, अभी इसमें थोड़ा सा और पकने देंगे इसको, थोड़ा लो फ्लेम में ही पकाएंगे इसको। तो फ्लेम थोड़ा लो कर देते हैं, इसको पकाते और थोड़ा सा। तो हमारा जो है रुई सरसों ऑलमोस्ट रेडी हो गया, अभी इसको पकने की देरी है। ऑलमोस्ट पूरा देखिए इधर कलर भी छोड़ना चालू हो गया और ऑयल भी छोड़ रहे ऊपर से, तो रेडी हो गया। अभी इसको हम लोग जो है सर्व करेंगे। तो चलिए इसको प्लेटिंग करके फिर आप लोग आएगा।
तो ये देखिए, मैंने जो रूही शोर से बनाया था उसको प्लेटिंग कर दिया है। इधर देखिए प्लेट पे कैसा मस्त कलर भी आया है, मस्त अभी खाने को भी अच्छा लगेगा। तो आज पूरा रेसिपी आप लोगों को दिखाया, घर में पूरा ट्राई किया है, अभी चावल और ये बनाया है। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। और कैसा आप लोग भी बनाइए, ट्राई कीजिए, और घर पे कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, बाय।